टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के न्यूज बुलेटिन का आगाज हम इंडियन आर्मी की उन कोशिशों की खबर से शुरू करते हैं जिनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर में बच्चियों के पहले मेडिकल बैच का इफ्तिताह हुआ। इस तकरीब की खसूसी रिपोर्ट देखिए। कि इस साल हमने काफ़ी कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोशिश करी है। आपको याद होगा एक हमने बारामूला से कमान के लिए उरी की तरफ एक ऑल वुमेन साइकिलिंग का इवेंट शुरू करा। कई प्रोजेक्ट्स हमने चलाए हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सेल्फ सस्टेनमेंट का प्रोजेक्ट्स है जो चल रहे हैं हमारे पूरे ऑल ओवर कश्मीर। मगर एक ही जो इवेंट था जो रिक्वायरमेंट थी कि बच्चियों को एक जगह दी जाए जहाँ पर वो पढ़ के मेडिकल स्ट्रीम के अंदर जा सकें। जो सक्सेस इस प्रोजेक्ट का है वो इन बच्चे के सिलेक्शन का नहीं है, मगर अगर 1800 बच्चे पैन कश्मीर से इस कंपटीशन के लिए हर लेवल से लड़े हैं और वो यहाँ पर आना चाहते हैं, ये दिखाता है कि कम 2000 पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें नीट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जो आप सब लोग जानते हैं ऑल ओवर इंडिया का वो एग्ज़ाम होता है नीट, उसके लिए यहाँ पे 21 गर्ल्स की सिलेक्शन हो गई है। हमने रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद इंटरव्यू, और फिर हम 21 गर्ल्स सिलेक्ट होके यहाँ आ गए हैं। और हमें अब यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज़ मिल रही है जो हमें बाहर बहुत ज़्यादा पैसों में मिलती है, लेकिन हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पे की फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया की मैं मान ली हूँ सबसे बेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें होते हैं नीट में 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और यहाँ पे हमें तीनों सब्जेक्ट्स के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और हमारी क्लासेस 2-2 आवर्स की चलती है और हर कोई डाउट सेशन हर एक चीज़ बहुत बेस्ट है। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में एक और इंसानी खिदमत का बीड़ा उठाया है जिसके मुताबिक इलाके के जरूरतमंद अफराद को मस्नूई अज़ा फराहम किए जा सकेंगे। इस सिलसिला में एक कैंप लगाया गया जिसके दौरान 348 व्हील चेयर्स, 480 सुनने के आलात, 93 मस्नूई टांगें और 13 मस्नूई बाजू जरूरतमंद अफराद में बांटे गए। इलाके के लोगों ने इंडियन आर्मी की इस मदद को बहुत सराहा। Oh,
वी आर कम्प्लीटली अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. आवर ऑब्जेक्टिव टू सर्व पीपल हु डोंट हैव लिम्स. सो रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू लॉस द लिम्प, वी आर देयर टू हेल्प यू गेट बैक अ लिम्प. दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव एंड दैट्स व्हाट वी सर्व. सो हाउ मच सपोर्ट यू गेट फ्रॉम इंडियन आर्मी? सो इन कश्मीर दीज कैंप्स, द फाइव कैंप्स दैट सिक्स कैंप्स दैट वी हैव डन दिस ईयर हैव बीन कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी has done a phenomenal job, I must say. Deep commitment, deep sense of service that they have shown and they have demonstrated. They have made all the logistical arrangements. We have done the technical part of fitting limbs, of helping people with appliances. So we have worked very closely with them. आज का कैंप primarily हम विकलांगों के लिए रख रहे हैं. तो विकलांगता में कुछ लोग हैं जिन amputated हैं, कुछ बच्चे हैं जो cerebral palsy के साथ हैं, और कुछ हैं जिनको जो बधिर हैं, जो उनको सुनने में तकलीफ है. तो जो cerebral palsy और जो amputated लोग हैं उनके लिए हम यहाँ पे जयपुर फुट के साथ associate किया है हमने, और हम उनको लिए wheelchairs और crutches provide करा रहे हैं. साथ ही साथ कुछ लोग जिनको amputation के साथ अगर artificial limb की ज़रूरत है तो यहाँ पर उन लोगों को identify कर रहे हैं, और यहाँ पे श्रीनगर में ही जयपुर फुट का सेंटर है. तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए आगे कास्ट बनाना और आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए और प्रोसीजर के लिए हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको और हेल्प कर सकते हैं. उसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं इन्हीं में से जिनको मेडिकल एडवाइस की खासकर ज़रूरत है, और कुछ दवाइयाँ, कॉमन दवाइयाँ जैसे कैल्शियम, वाइटामिन D3, प्रीगैबलिन, और साथ ही साथ सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ. तो वो हम जितना एट दिस मोमेंट अवेलेबल हो सकता है हम अवेलेबल करा रहे हैं, और अगर हमारे पास जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं तो उनके लिए हम उनको अगले मेडिकल कैंप्स और बाकी जो हमारे कैंप्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वो इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. आज का जो 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 यहाँ पे अचीवमेंट है ये भी बहुत है. फौज ने जो अचीवमेंट लाई है यहाँ पे, व्हील चेयर दी है, कुछ लोगों को मशीनें दी है, बहुत सारी चीज़ें जो लोग इनको फ़ायदा मिल रहा है इस अचीवमेंट से. लेकिन हम उम्मीद करेंगे इससे भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे. हमें ये व्हील चेयर मिली आज. खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने की खातिर श्रीनगर के इंडोर हॉल पोलो ग्राउंड्स में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं. इस टूर्नामेंट का एहतमाम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने किया. इसकी खसूसी रिपोर्ट देखिए. कश्मीर ओपन टूर्नामेंट हम साल में करते हैं, इस 30th वन, और इसमें पूरे कश्मीर के प्लेयर्स जो हैं वो आते हैं हमारे सब डिस्ट्रिक्ट से, इस्लामाबाद हो, सोपोर हो, बारामूला हो, और ये हमारा बड़ा टूर्नामेंट होता है. इसके बाद जो इसमें हमारे सब जो हैं इवेंट्स होते हैं फ्रॉम अंडर 10 से लेके पूरा वेटरन्स तक, और ये बहुत ही बड़ा होता है हमारा जो मेन होता है डिस्ट्रिक्ट के बाद. इसके बाद जो हमारे हैं यहाँ से प्लेयर्स निकल के स्टेट के लिए जाते हैं. स्टेट जो हमारी मैक्सिमम टाइम जम्मू में ही होती है. इसके बाद जो भी प्लेयर्स निकलेंगे वो सब जम्मू जाएंगे इंशाल्लाह स्टेट खेलने के लिए. एंड उसके बाद अगर कोई होगा जो हमारे स्टेट्स में निकलते हैं फिर वो नॉर्थ जोन या नेशनल्स के लिए जाते हैं.
ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, अगर जो जो लोग जीतेंगे वो स्टेट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर स्टेट जीता तो उसके बाद नेशनल जाएंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, अगर आपको बैडमिंटन में अपना करियर बनाना है ये चैम्पियनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लाइक अगर आपको आप लाइक स्मॉल से ही स्टार्ट करोगे, इंटर स्कूल, फिर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल, ऐसे ही जाएंगे। Open Kashmir Badminton Championship, and I feel like this is very beneficial for all the kids who are participating here, and I feel like everybody should take part in sports because it is an important part of our life, and it helps in our it helps in creating a social circle and helps in maintaining our health, which is a very important part of our life. And I feel that especially girls should take part in sports, because I basically love when girls take part in different activities. It helps in like women empowerment. जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कपवाड़ा के मकाम पर एक फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसका मकसद इलाके में सियाहत को फरोग देना है। इस फेस्टिवल में सकाफती शो भी पेश किए गए। कपवाड़ा के वासियों ने हुकूमत की सियाहत के फरोग के लिए कोशिशों को सराहा। जे एंड के गवर्नमेंट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए 75 डेस्टिनेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि ऑफ बीट डेस्टिनेशन जिनको हम बोलते हैं, यानी जहां ज़्यादा अभी जो है पब्लिसिटी नहीं हुई है और वहां टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेज जहां ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल आ चुकी है। तो इस सिलसिले में हमने आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि वी हैव डन वन वीक जो है आइकॉनिक फेस्टिवल, जिसमें हमने चाहे हाउस बोट फेस्टिवल हो, चाहे हमारा जो है सूफी फेस्टिवल हो, लिटरेरी फेस्टिवल हो, इस तरह के फेस्टिवल्स किए हैं। नाउ नेक्स्ट लेवल जो हमारी है वो है ये जो ऑर्बिट डेस्टिनेशन हमारे है वहाँ पे फेस्टिवल्स करने का, ताकि वहाँ जो है पब्लिसिटी, वहाँ के जो चाहे वो लोकल क्रुजीन हो वहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हो, या वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, या वहाँ के जो लोगों में चाहे वो यूथ है या जो भी टैलेंट उनके पास है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमारा जो इसे रोज़गार के वसाइल है उनका तो इसमें प्रमोशन हो जाएगा, तो इस तरह के प्रमोशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की जो ये फेस्टिवल्स है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा भी होने चाहिए। फ़िलहाल तो इन्होंने अच्छा किया है कि एक दिन के लिए किया है, आइंदा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 2-3 दिन का फेस्टिवल हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सेकंड कथोरा हाफ मैराथन का एहतमाम किया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मैराथन जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब की एक खसूसी रिपोर्ट देखिए।
पिछले साल भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और मेन उद्देश्य इसका ये है कि लोगों में फिटनेस और स्पोर्ट्स की भावना को बढ़ाया जाए और बच्चों को, खास तौर से यूथ को, जो कि ड्रग्स वगैरह और इस तरह के गलत कामों में ध्यान जो उनका चला जाता है, उनसे ध्यान हटे और फिटनेस और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान जाए। और स्पोर्ट्स में आपको पता ही है हिंदुस्तान काफ़ी आजकल तरक्की कर रहा है, इस बार ओलंपिक्स में भी सबसे ज़्यादा मेडल्स जो पिछले सालों के बनिस्बत आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट से स्पोर्ट्स और यूथ इवेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।